होड़ उनमें लगती है जहां मुकाबला हो। जेजेपी तो आज के दिन किसी होड़ में है ही नहीं, तो वो कुछ कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये है कि अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार से उनको नकारा है इस लोकसभा चुनाव में, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको सिरे से खारिज कर दिया है लोगों ने। तो अब वो कभी कहते हैं कि बीजेपी की वजह से हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये जो आप बात कह रहे हो कि जो कुछ काम हुए वो कह रहे हैं उनने कराए, वो कह रहे हैं उनने कराए, तो ये सारी अपने आप को लोगों के बीच में कोई जगह बनाने का एक प्रयास है, ताकि कहने की कोई बात हो जिसके साथ वो लोगों के बीच में जा सके, लेकिन अभी उसकी कोई संभावना नहीं। सर हरियाणा में कांग्रेस को किसी प्रकार के कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि एक बड़ा संदेश आपने देना होता है कि हम बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पे हम चुनौती दे रहे हैं। वहां पे गठबंधन एक अलग चीज है, लेकिन अन्यथा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। और आज के दिन जो माहौल है, कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की ओर हरियाणा में बढ़ रही है, तो गठबंधन की कोई आवश्यकता कांग्रेस को तो यहाँ तो नहीं है। और नहीं नहीं बोलिए बोलिए। सर कांग्रेस जो कम बैक किया है, कांग्रेस वापसी करे, रणजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस का वजूद ही हरियाणा में खत्म है। किसने कहा है रणजीत सिंह चौटाला ने? कांग्रेस का वजूद खत्म है? बड़ी अच्छी बात है जी, मतलब अगर उनका ये मानना है तो वो तो हिंदी में एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो 0 लोकसभा से 5 आई हैं, आध दो आध सीट आई हैं, और जिस प्रकार का माहौल अब आगे बढ़ेगा, असेंबली के चुनाव जब तक आएंगे, तो वजूद तो उनको देखना है जिनका वजूद खतरे में है। कांग्रेस का तो हरियाणा में भविष्य और देश में भी अब तो उज्जवल है बहुत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।